पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ यार, मतलब कैसे हो रहा है यार। अब मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। आज एक बात करेंगे, जैसे कि थंबनेल में आप देख लिए हैं कि एक यूट्यूबर्स जो कि 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उसका चैनल डिलीट किया है यूट्यूब ने। तो उससे पहले स्किप थोड़ा सा देख लेते हैं, तो देखने के बाद आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स। कब तक रोऊंगा यार मैं, कब तक रोऊंगा। आज 16 दिन हो चुके हैं बेस्ट टर्म हिंदी को डिलीट हुए। ट्विटर की बात हो तो मनोज भाई और आप सभी के प्यार से हमने 3,000 ट्वीट कर दिए हैं। 2,000 ट्वीट उनकी हो गई और 1,000 मेरे होने वाले हैं। यूट्यूब इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करें, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि जिसका चैनल 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करके डिलीट हो चुका है, उन्हें रिप्लाई करने का टाइम भी नहीं है उनके पास। भाई कब तक रोऊंगा, बाज मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं आप सबके लिए आया हूँ। जो चीज़ आज मेरे साथ हुई ना दोस्त, वो अगर कल आपके साथ होगा तो चलेगा क्या? सोचो ना यार, मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 3.5 मिलियन मतलब 33 लाख लोग आपने जोड़े 4 साल की मेहनत करके। आपको पता है ना 1,000 सब्सक्राइबर्स कितने मुश्किल से आते हैं। आज आप जिस स्टेज पे खड़े हो, चाहे आप सपोर्ट सभी करो, तो 5 मिनट लगते हैं भाई एक सब्सक्राइबर्स लाने में। आपके सब्सक्राइबर्स 1,000 2,000 कितने भी वीडियोस वायरल कर लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से ऊपर जाता ही नहीं है चैनल। अगर कोई 33 लाख तक गया ना, तो उसने कितनी मेहनत की होगी। और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ। और जो पैसे मैं कमा रहा था ना, वो मैं कोई 2 नंबर ही नहीं कमा रहा था, दिन रात मेहनत की इस प्लेटफॉर्म पे। मानता हूँ कि यूट्यूब ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं कि मेरा चैनल डिलीट हुआ, मुझे इस चीज़ का दुख है कि जो चीज़ आज मेरे साथ हुई वो कल आपके साथ होगी तो चलेगा क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर, कि आप एक वीडियोस बनाओ, #BestHelpHindiGiveBack लगाओ। और भाई वीडियोस बनाओ, अगर आपने बनाया तो फिर से बनाओ, इस क्लिप का यूज करो। मैंने गलत किया ना, तो भाई मुझे बताओ कि मैंने ये चीज़ गलत किया है, तो आगे कम से कम मैं अपने व्यूवर को तो बता सकूँ कि मैंने ये चीज़ गलत किया, फ्यूचर में आप ना करें। मुझे बस इतना बता दो कि भाई बेस्ट हेल्प हिंदी पर ये वीडियोज अपलोड हुआ है, इस वीडियो के थंबनेल से हमने आपके चैनल को डिलीट किया है, और हम दावा करते हैं कि इस तरह के थंबनेल यूट्यूब पर किसी भी टेक चैनल में अवेलेबल नहीं है। ये मुझे बता दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, यूट्यूब को आज ही छोड़ दूंगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्त, 1 लाख रुपये का गिवे करूँगा अगर ये चैनल वापस आता है तो आपके सपोर्ट से। और रेंडमली जो भी कमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो वीडियो को शेयर करेंगे ना, उन्हें सेलेक्ट करूँगा, 10,000 के रूप में 10 लोग विनर बनेंगे। और ये मेरा गौरव का प्रॉमिस है, मैं हाथ जोड़ के आपसे वादा करता हूँ कि इस चीज़ को मैं जरूर निभाऊंगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो बनाओ इस चैनल के लिए, एक वीडियो बनाओ और बस ये बताओ कि भाई बेस्ट फिल्म चैनल डिलीट हुआ है, क्यों हुआ है डिलीट। प्लीज़ उनके नए चैनल को सपोर्ट करो और यूट्यूब इंडिया ने न्याय दो। लेकिन दोस्त किसी की फैमिली चल रही है, किसी की रोजी रोटी चल रही है उस चैनल से, अब क्या करूं बताओ मैं यार। कौन से प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि आप फेस के वीडियो नहीं बनाओ, गए तो आपका चैनल डिलीट कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देखे हैं कि एक भाई उसका था 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर, उसका अचानक एक मतलब कुछ नोटिस भी नहीं है, यूट्यूब उसका चैनल पूरा डिलीट कर दिया। कुछ यार मैं मानता हूँ यूट्यूब में कुछ गलती वीडियो डालेगा तो यार नोटिफिकेशन आता है कि आप ऐसे कर रहे हैं, तो स्ट्राइक लगता है या कॉपीराइट लगता है, ऐसा कुछ होता है। बट यार डायरेक्ट डायरेक्ट यार चैनल डिलीट करना है भाई, कहाँ पे लिखा है? तो हम तो इतना टाइम उसका लॉ पड़े हैं भाई, हम तो कहीं पे नहीं दिखाया। तो भाई मध्य की बात ये होता है कि मतलब आपके ऊपर, यूट्यूबर के ऊपर कोई भरोसा करके इतना अपना 4 साल हो 5 साल हो जिंदगी उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए मतलब पूरा डिसाइड करता है यार, एक कुछ मतलब बात नहीं होता। उसका चैनल अगर ऐसे डिलीट हो जाएगा, उसका ज़िंदगी ऐसा हो जाएगा यार, कौन कौन मान लेगा भाई? मैं तो नहीं मान सकता, मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और वो एक बहुत पुराना बोल सकते कि बहुत अच्छा एक क्रिएटर था, बट वो ऐसा वीडियो भी नहीं डाला कि उसका चैनल ऐसे डिलीट हो जाएगा। वो ऐसा वीडियो डालता है कि आपका जैसे जॉब नेम हो रहा है कि कहाँ कौन सा वेबसाइट में जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो, या दूसरा कुछ टॉपिक में, टेक न्यूज़ में आप बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ देता है, उस बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक खबर देता है। भाई बात हो रहा है कि क्यों डिलीट हो गया। अगर आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको जानना चाहिए ना, इतना 3.3 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर है उसका अगर डिलीट हो जाएगा चैनल, यार हम जैसे छोटे यूजर का क्या होगा। हाँ तो यार
उससे उसका भी तो फायदा है, यूट्यूब का भी फायदा है। तो यूट्यूब का मेरे मानना है कहीं पे ना कहीं पे उसका जो सिस्टम है वो चेक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत क्रिएटर्स है वीडियो बनाए, तो मैं भी सपोर्ट करने के लिए उसके सामने आ गया, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई वीडियो देख लो उसका, वीडियो जो जितना प्रॉब्लम हो रहा है ना यूट्यूब का गलती है, उसका कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, उसका कोई गलती नहीं है। तो अगर गलती रहता एक कॉपीराइट लगता, स्ट्राइक लगता मेरे हिसाब से, या कुछ नोटिफिकेशन आता कि ऐसा अगर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो तो वीडियो कम से कम डिलीट हो सकता है, वीडियो कम से कम डिलीट हो सकता है, बट उसका चैनल कैसे डिलीट होगा यार। यार तो किसके ऊपर भरोसा करेगा। तो यार तो पैसा देके हैकर्स को रखेंगे भाई, कुछ प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब को भी हटा देना। तो यार कैसे बात हो रहा है। और उसके ऊपर से कैमरा रह गया, अभी जो वीडियो वायरल हुआ था उसका वीडियो भी यूट्यूब डिलीट कर दिया। ये कैसा पॉलिसी है यार, मतलब किसी का दिमाग में नहीं घुस रहा वो किसके वजह से डिलीट हुआ, कोई नहीं सोचता है कि क्या यार, मतलब ज़्यादा अच्छी बात हजम नहीं होता क्या ऐसा चीज़। यार जितना भी यूट्यूब क्रिएटर है सबको बोल रहे हैं, सब वीडियो बनाओ, जितना हो सके उतना वीडियो बनाओ, भाई को सपोर्ट करो और हैशटैग लगाओ, भाई को सपोर्ट करो। और दोस्तों वीडियो इतना ही था, और वीडियो जितना हो सके उतना वायरल करो। और मैंने बोला कि मेरा वीडियो वायरल करना है, उसको वीडियो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखें, तो उसका वीडियो जाओ, उसको वीडियो वायरल करो और उसको सपोर्ट करो। और जितना हो सके ऊपर वाला या यूट्यूब को रिक्वेस्ट करो कि उसका चैनल पास आ जाए, तो अच्छा होगा सबके लिए, अच्छा होगा, एक राहत भरी, एक सुकून का एक सांस ले सकते हो सब लोग। यार ये पॉलिसी बहुत ही घटिया मेरे हिसाब से, जितना हो सके उतना वीडियो वायरल करो दोस्तों। राम राम।